हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको बेचलर्स के बाद यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज मैं आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के दूंगा जो आपके पास होने चाहिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है यहाँ की जर्मनी में, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। तो जब भी आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप समझ सकते हो कि आप अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगा और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप कहां से कलेक्ट कर सकते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज का इस वीडियो है ना, मैंने स्पेशली विंटर सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उन लोगों के लिए बनाया है। तो ये बेस्ट टाइम है जब से आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो विंटर सेमेस्टर के इंटेक के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको सभी नई वीडियोस की अपडेट आती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट या तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से इन माय केस क्या हुआ था कि मैं तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डेडलाइन थी 15 जून की और हमारा कॉन्वोकेशन हुआ इस साल जनवरी में। तो अगर मैं उस डिग्री की वेट करता तो मेरी एडमिशन तो एक ये डिले हो जाता। तो उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी से मांगा मेरा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो वो आप ऐसे ही कलेक्ट कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और आपकी जो भी एग्जामिनेशन ऑफिस है उनसे बात करनी है कि आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ही अगर आपका जो कॉन्वोकेशन है जिसमें आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है वो लेट है आपकी यहाँ की यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डेडलाइन से, तो आपको एडवांस में ही उनसे मांग लेना है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। तो मैंने वही किया था कि मेरी 15 जून की डेडलाइन थी तो मैंने मेरा डिग्री सर्टिफिकेट मांग लिया मेरी यूनिवर्सिटी से इन मे। तो जैसे ही मेरा डिग्री सर्टिफिकेट आ गया मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स तो थे ही, तो बाद में मैंने ऑन 2 जून मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। तो ये है सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है आपकी बैचलर्स की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स इंक्लूडिंग जिसमें आपको बैकलॉग भी मिली थी। ये जो मार्कशीट्स है वो आपको आपके पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप बैचलर के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो मार्कशीट होगी। और इन केस अब तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट अभी तक नहीं आई थी जो ओरिजिनल होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि उन लोगों को बोला कि सेम जैसे डिग्री सर्टिफिकेट में होता है सेम मैंने उन लोगों को पहले ही मांग ली मेरी प्रोविजनल 8th सेमेस्टर की मार्कशीट। तो इस तरीके से मेरे पास 8th सेमेस्टर की मार्कशीट आ गई जिसकी वजह से मैं अप्लाई कर पाया। तो आपको भी ऐसा करना है कि अगर लेट से आपके पास मार्कशीट नहीं आती तो सेम ही चीज करनी है, तो आपको एडवांस में ही आपकी यूनिवर्सिटी के पास से आपको मांग लेनी। और ये चीज आप कब कर सकते हो, जब आपको आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मालूम हो। तो आप है ना ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यहाँ पे आना है इस विंटर सेमेस्टर में, तो ये सभी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप ये देखना कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी की उस कोर्स की डेडलाइन क्या है, और उस डेडलाइन में ध्यान में रख के आप सभी डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन स्टार्ट करना। वरना ऐसा ना हो कि डेडलाइन चली जाए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा भी हुआ है मेरे दोस्तों के साथ जो एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए और उनका यहाँ पे डिले हो गया समर सेमेस्टर में या तो नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर में। यह है ध्यान रखने वाली बात जो मैंने आप लोगों को अभी बता दी और ये सब चीजें दिमाग में रखना। तो जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। ट्रांसक्रिप्ट में यही होता है कि आपके 8th और 8th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स और उसके ग्रेड उसमें मेंशन किए होते हैं, इंक्लूडिंग अगर आपको किसी भी बैकलॉग मिली है तो एक लिस्ट होती है सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ग्रेड्स लिखे होते हैं, और वो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हो। और आपको बस वहां पे जाना है, उनको बोलना है कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, मेरा मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इसलिए तो वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। फोर्थ है आपका 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट एंड आपकी 12th की लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपके पास होंगे क्योंकि आपने बैचलर की पढ़ाई की है और उसके लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बस ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी आपको जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो ना तभी आपको अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करने हैं। तो जो 5th डॉक्यूमेंट है वो है आपका जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो इन केस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्मन टॉट प्रोग्राम में पढ़ना चाहते उनके लिए ये जर्मन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अगर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में पढ़ रहे हो तो। और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आ रहे हैं उनके लिए ये नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप वो इंक्लूड करोगे अगर आपने आप एग्जाम दोगे जर्मन की तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा अदर एप्लीकेशन के कंपेरिजन में।
तो मुझे कई सारे स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि मेरे इतने से जीपीए है, मेरे पास जर्मन है कि नहीं है, तो मेरा कितने चांसेस है। तो चीज यही है कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज मेरिट वाइज एडमिशन देती है। तो लेट से उनके पास सीट्स अवेलेबल है 120 और एप्लीकेशन आ जाती है 500, तो जो टॉप 120 स्टूडेंट्स होंगे तो वो लोग उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे, और जो 120 के ऊपर के हैं उन लोगों का एडमिशन रिजेक्शन आएगा। तो ये चीज है। रूस कॉम्पिटिशन में टिकने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेड सी है बेचलर के, देन आता है आपके पास एडिशनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जो उसमें फर्स्ट आता है जर्मन लैंग्वेज। अगर आप भले ही आप इंग्लिश टॉट में पढ़ रहे हो, बट अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपका वो प्लस पॉइंट होगा, तो ये चीज भी आप दिमाग में रखना। तो जो सिक्स डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये आप ले सकते हो अपने प्रोफेसर के पास से। तो ये लेटर बेसिकली ये बताता है कि आपने थ्रू आउट योर 8 सेमेस्टर कैसा परफॉर्मेंस दिया और कैसा आपका थ्रू आउट बिहेवियर था क्लासरूम में भी, आपकी यूनिवर्सिटी में आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है तो वो भी एक्नोलेजमेंट देते हैं आपके प्रोफेसर। तो आपकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट फील्ड में कैसी है वो आपको प्रोफेसर को पता होगा, तो उस हिसाब से वो लोग आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के देंगे और वही आपको जस्ट स्कैन करना है और उसकी पीडीएफ बना लेनी है, दैट्स इट। तो इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए जिसको LOR बोलते हैं उसके लिए आपको अपने प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करना होगा, और मैं रिकमेंड करता हूँ आप मिनिमम 2 से 3 तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रखो ही। और उसका दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि इन केस लेट से आपने सभी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए, यूनिवर्सिटी के पास सभी डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, बाद में इन सब केस क्या होता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वो उन प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करते हैं जिन्होंने आपको रिकमेंड किया था, तो वो पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसलिए आपके प्रोफेसर से भी बात कर लेना कि आपको इन केस आपके पास कॉल भी आ सकता है या मेल भी आ सकता है, तो उनको किस तरीके से बात करनी। तो ये था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जो 7th डॉक्यूमेंट है वो है SOP, और दूसरे टर्म्स में कई लोग बोलते हैं LOM। तो SOP का फुल फॉर्म ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और LOM का है लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो दोनों चीज एक ही है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होता है कि आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जिससे यूनिवर्सिटी को पता चले कि आप कितना मोटिवेटेड हो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके डिग्री सर्टिफिकेट के बाद ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कि लेट से अगर आपके ग्रेड्स भी कम होंगे बट आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन इस तरीके का बनाया होगा, तो आपको आपके हायर ग्रेड वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में भी आपको भले ही आपका ग्रेड लो हो फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपका LOM सही होगा। तो SOP बनाना बहुत ही क्रूशियल पार्ट है अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो यहाँ की सभी यूनिवर्सिटी SOP पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, और इसका लॉजिक ये है कि क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं है तो उनको वही स्टूडेंट चाहिए जो क्लियरली मोटिवेटेड हो वो कोर्स पढ़ने के लिए, और उनको ये नहीं चाहिए कि वो प्लेस या पर्टिकुलर प्लेस वो दूसरे स्टूडेंट को चला जाए और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको उसका एडमिशन मिले। तो ये यहाँ की यूनिवर्सिटीज की मेंटेलिटीज होती है, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर SOP। तो मैं इसके ऊपर स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मुझे आपको सभी चीजें डिटेल में समझानी है कि कैसे आप SOP बना सकते हो। तो वो वीडियो सभी इसके बाद ही लाइन टू लाइन आने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप कैसे SOP बना सकते हो और आपके एडमिशन के चांस इंक्रीज कर सकते हो। तो मैंने उसके लिए है ना कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आप उस क्वेश्चंस के लाइन में आंसर दे दोगे तो आपका SOP बन जाएगा और वो आपका परफेक्ट SOP बनेगा। तो वो मैंने है ना मेरी तरीके से रिसर्च करके सभी चीजें दिमाग में रख के SOP बनाया था, और उस SOP की वजह से ही मुझे यहाँ की 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर SOP बनाते हो तो SOP के ऊपर आपका एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही डिपेंड करती है। तो ये था 7th डॉक्यूमेंट जो है SOP। तो जो 8th डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में तो बस कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप पासपोर्ट को स्कैन करो ना, उसकी पीडीएफ बनाओ, तो उसके दोनों साइड रखना, जो ब्लैंक है वो, देन आपका फ्रंट पेज है वो, देन दूसरे पेज है जो जिसमें एड्रेस लिखा होता है और आपके फादर और मदर का नाम लिखा होता है उसका भी ब्लैंक पेज, और जो आपका फादर मदर का नाम है वो। तो इस तरीके से नॉट ओनली दी फ्रंट पेज एंड बैक पेज ऑफ योर पासपोर्ट, बट आपका जो दोनों पेज के ऊपर के जो ब्लैंक पार्ट है ना पेजेस के, वो भी आपको उस PDF में स्कैन करना है और परफेक्ट स्कैन करना है उस पासपोर्ट को। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट।
तो जो नाइन्थ डॉक्यूमेंट है वो है IELTS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे मिनिमम आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप अपने बैंड मेंटेन करो 6.5। तो वो अगर आपके पास वो 6.5 के बैंड हो गए IELTS के, तो आप अपनी कोई भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। पर IELTS सर्टिफिकेट डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कितना बैंड का मांग रही है, तो वो भी आप देख लेना कि अगर आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के बैंड, लेट्स से कुछ यूनिवर्सिटी 7 बैंड भी मांगती है, तो आपको वो भी दिमाग में रखना है कि आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है वो IELTS बैंड अचीव करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने पहले से ये सब चीजें प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे दी होगी यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो लेट्स से अगर आपको IELTS की बैंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में, तो क्योंकि तो लेट्स से आपको आज पता चली वो रिक्वायरमेंट और आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो देन एग्जाम दोगे, रिजल्ट आने में 13 दिन लगेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने पहले से आपको प्लानिंग करनी होगी IELTS एग्जाम देने के लिए। तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम करने का बेस्ट फॉर्मूला यही है कि आप अपनी रिसर्च है ना 5 to 6 मंथ पहले स्टार्ट कर दो कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसकी उनकी डेडलाइंस क्या है। तो उस हिसाब से अगर आप सभी प्रोसीजर एडवांस में फॉलो करोगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मिस नहीं करोगे। तो ये था आपका IELTS सर्टिफिकेट। तो जो 10th डॉक्यूमेंट है वो है आपका यूरोपास CV। तो जो आपका CV होता है वो आपको यूरोपास की वेबसाइट पे बनाना है, और वो उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको उस CV में आपको कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और किस ऑर्डर में सेट करनी है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस वाले वीडियो में कि कैसे आप CV बना सकते हो यूरोपास की वेबसाइट पे। तो ये था आपका CV। तो जो 11th डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट तो क्या है कि लेट्स से आपने इंटर्नशिप की है, तो इंटर्नशिप आप जिस भी कंपनी में आपने की है तो वो तो उस कंपनी से आप अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मांग लेना, तो वो आपका एविडेंस होगा कि आपके पास बेसिक एक्सपीरियंस है आपके पर्टिकुलर फील्ड का। दूसरा क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि बैचलर के बाद उन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा पर्टिकुलर कंपनी में, तो अगर आप लेट्स से 1 साल के या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आते हो तो उसका भी आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपकी कंपनी के पास से। तो अगर वो होगा तो वो भी आपके यहाँ के एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकता है एज कम्पेयर टू आपके हायर ग्रेड के स्टूडेंट के साथ। तो लेट्स से अगर दूसरा कोई स्टूडेंट है जिसके ग्रेड सबसे हाई है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आपके पास एक्सपीरियंस है भले ही आपके ग्रेड कम हो, तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपका एडमिशन डिपेंड करेगा। तो ये था आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो 12th डॉक्यूमेंट है वो है आपके वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आएंगे, लेट्स से आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है या तो कोई भी रिसर्च किया है, और लेट्स से आपने कोई भी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, आपको उस कॉन्फ्रेंस में अचीवमेंट मिली थी कोई भी, या तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जिसमें आप जीते हो, और या कोई भी टाइप की अचीवमेंट है, देन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी आपने अगर किसी भी एडिशनल स्किल सीखी है या तो कोई भी पर्टिकुलर कोर्स सीखा है जो आपकी स्टडी में इंक्लूडेड नहीं था, उसका सर्टिफिकेट भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। वो सब के सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं, और वही सर्टिफिकेट रखना जो वेरीफाइबल हो यहाँ की यूनिवर्सिटी से। सो लेट्स से जो भी सर्टिफिकेट में बार कोड हो जिससे स्कैन करके वो वेरीफाई कर सके कि ये एक्चुअल सर्टिफिकेट है, और वही सर्टिफिकेट इंक्लूड करना जिसमें आपको जिस फील्ड का आपको प्रॉपर नॉलेज हो। तो ये भी हो सकता है कि अगर लेट्स से आपकी पहले तो एप्लीकेशन होता है यहाँ पे, देन यहाँ की कई सारी यूनिवर्सिटीज आपका इंटरव्यू लेती है, तो वो उस इंटरव्यू में आपको उस सर्टिफिकेट के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वही सर्टिफिकेट सेट करना जिसका आपको फुल एक्सपीरियंस हो, ना कि वो कि जो दिखाने के लिए कि तो लेट्स से अगर मैं ज्यादा सर्टिफिकेट ऐड करूंगा कि मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वही सर्टिफिकेट ऐड करना जो जिसके आप इंटरव्यू में आंसर दे सको, और जो सर्टिफिकेट्स वेरीफाइबल हो यहाँ की यूनिवर्सिटी से। तो ये थे वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स जो आपको ऐड करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का चांस बढ़ाने के लिए। तो जो लास्ट डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है आपको यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती, वो आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप यूनिआसिस के थ्रू अप्लाई करोगे ना, तो यूनिआसिस भी आपको बता देगा कि आपको एडिशनली एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है वहां पे, तो वो आपको यूनिआसिस की वेबसाइट पे पता चल जाएगा। और मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको यूनिआसिस पे आप कैसे अकाउंट बना सकते हो और उसके थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो उस वीडियो में आपको मैं मेरी यूनिआसिस का अकाउंट बताऊंगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ पे फाइंड कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे एप्लीकेशन लेती है तो वो यूनिवर्सिटी आपको मेल के थ्रू नोटिफाई कर देगी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है,
तो ये था आपका लास्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड था यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो रिक्वायर्ड है आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो बस आज के वीडियो के अंत तक हम आ चुके हैं और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने जो स्टूडेंट्स यहाँ की नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर में आने वाले हैं उनके लिए बनाया है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, तो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो यहाँ पे नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर में आने का सोच रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।